हेलो स्टूडेंट, आज हम असेसमेंट में लर्निंग आउटकम्स क्या है ये जानेंगे। लर्निंग आउटकम्स आर एक्चुअल बिहेवियरल चेंजेस एक्सपेक्टेड आफ्टर टीचिंग। तो अगर टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाने के बाद स्टूडेंट में एग्जैक्टली क्या चेंजेस होगी, ये टीचर जब लिखता है उसी को हम बोलते हैं लर्निंग आउटकम। सो दैट्स व्हाई दिस आर फॉर्मल स्टेटमेंट दैट आर्टिकुलेट व्हाट स्टूडेंट्स आर एबल टू डू आफ्टर इंस्ट्रक्शन, आफ्टर टीचिंग। इसको डिफाइन करते समय हमें ये दो बातें समझना है, लर्नर्स हैव अचीव्ड और डेमोन्स्ट्रेट एट द एंड ऑफ द कोर्स। तो लर्निंग आउटकम्स आर जस्ट थिंग्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्जर्व इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट आफ्टर एंड ऑफ द कोर्स और अ प्रोग्राम, और दैट इज वाई इट इज सेड एट दैट लर्नर्स हैव अचीव्ड। परफेक्ट टेंस, रिमेंबर दैट इट इज परफेक्ट टेंस इज यूज हियर। सो लर्नर हैव अचीव्ड, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव जो हम रखते हैं, ऑब्जेक्टिव टीचर पहले रखता है, और टीचर ने ऑब्जेक्टिव रखने के बाद टीचर एक स्ट्रैटेजी डिजाइन करता है, स्ट्रैटेजी डिजाइन करके वो अप्लाई करता है क्लासरूम में। क्लासरूम में अप्लाई करने के बाद स्टूडेंट में जो चेंजेस आए हैं आफ्टर टीचिंग, दैट इज व्हाई लर्नर्स हैव अचीव्ड व्हाट लर्नर्स हैव अचीव्ड और डेमोन्स्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ द कोर्स, दोज आर कॉल्ड एज लर्निंग आउटकम्स। सो पढ़ाने के बाद स्टूडेंट में जो एग्जैक्टली चेंजेस दिखेंगे हमें, पहले साइकिल चलाने नहीं आती थी, अभी साइकिल चलाने आ रही है, तो जो साइकिल चलाने आ रही है ये इसे हम कहेंगे लर्निंग आउटकम्स। लेकिन ये लर्निंग आउटकम्स टीचर पहले ही रखता है, लेकिन वो रखते समय फिर उसे एक स्किलफुली रखना पड़ता है, इसलिए उसको एक क्राइटेरिया रहता है। सो फर्स्ट बिफोर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर द क्राइटेरिया, वी शैल सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लर्निंग आउटकम्स। दीज आर मेजरेबल, मेजरेबल मतलब ऑब्जेक्टिव जो है जैसे मेजरेबल रहते वैसे ही आउटकम्स रहते हैं। पहले हम ऑब्जेक्टिव रखते हैं और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ही लर्निंग आउटकम्स रहते हैं, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये एग्जैक्टली चेंज जो होने वाला है स्टूडेंट में वो दर्शाता है, और यहाँ पे क्या चेंज होगा वो ऑब्जेक्टिव दर्शाते हैं। तो उसी की वजह से ये मेजरेबल होना चाहिए, एसेसेबल होना चाहिए। तो जैसे कि स्टूडेंट स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, तो इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता है ये लर्निंग आउटकम जो है वो मेजरेबल है, हम मेजर कर सकते हैं वेदर इट ही स्पीक्स और नो। देन क्लियर टू स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्टिव्स जैसे क्लियर होने चाहिए उसी तरह से लर्निंग आउटकम्स भी क्लियर होने चाहिए, और वो दोनों के होने चाहिए, स्टूडेंट को भी क्लियर होने चाहिए और इंस्ट्रक्टर को भी क्लियर होने चाहिए। अगर वो स्टूडेंट को क्लियर नहीं है तो स्टूडेंट को समझेगा कैसे कि वो किस लिए ये पढ़ रहा है, और अगर टीचर को वो क्लियर नहीं तो टीचर को कैसे पता चलेगा कि वो किस वजह से पढ़ा रहा है। तो टीचर को वजह पता होना चाहिए, स्टूडेंट को एम पता होना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ने वाला हूँ। दीज आर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंटल ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल होने चाहिए, लर्निंग इज ऑलवेज ट्रांसफरेबल। तो टीचर के पास जो उसको स्किल आते हैं वो स्किल टीचर ट्रांसफर करता है स्टूडेंट में, और डेवलपमेंटल क्यों, क्योंकि वो स्टूडेंट में जो नहीं है वो आने वाला है, वो सीखने वाले, दैट्स वाई इट इज डेवलपमेंटल। एंड दीज आर इंटीग्रेटेड विथ ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव आर इंटीग्रेटेड विथ एम्स, सो इट whole learning process is integrated, remember. So that's why these must be integrated, developmental and transferable. Then use discipline specific competencies. Good learning outcomes ka ye characteristics hai ki wo specific competencies jo hai discipline se wo dikhate. For example, English mein communication ek competency hai, maths mein precision ek competency hai, aur geography mein map reading competencies hai. तो उस सब्जेक्ट के स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज को ध्यान में रख के लर्निंग आउटकम्स जो है तैयार किए जाते हैं। अगर वो लर्निंग आउटकम्स आपके आपके कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड है तो उसे हम गुड लर्निंग आउटकम्स बोलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्राइटेरिया फॉर राइटिंग स्टेटमेंट्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स। अभी टीचर्स को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है कि उसको स्टेटमेंट्स लिखने पड़ते हैं। जब वो लेसन प्लान बनाता है तो लेसन प्लान में हमको जैसे ऑब्जेक्टिव्स लिखने पड़ते हैं, उसी के साथ उन्हें स्पेसिफिकेशन भी लिखते हैं। वो स्पेसिफिकेशन सम और बिट लेस, दीज आर ओनली लर्निंग आउटकम्स, उसी को हम लर्निंग आउटकम्स बोलते हैं। कि हमने ऑब्जेक्टिव रखा कि स्टूडेंट टू डेवलप स्टूडेंट्स रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल डेवलप करना है मतलब एग्जैक्टली क्या डेवलप करना है, तो स्टूडेंट रीड्स विथ प्रॉपर स्पीड, ये हमें डेवलप करना है। स्टूडेंट
रीड्स विथ प्रॉपर प्रोनंसिएशन, ये हमें डेवलप करना है। तो ये जो लास्ट के दो महीने बोला कि स्टूडेंट रीड्स विथ प्रॉपर स्पीड एंड स्टूडेंट रीड्स विथ प्रॉपर प्रोनंसिएशन, दीज आर लर्निंग आउटकम्स। तो इसीलिए वो स्टूडेंट को एड्रेस करनी चाहिए। उसके बाद यूज सिंपल स्पेसिफिक एक्शन वर्ब्स, तो जैसे डिफाइन है, अप्लाई है, एनालाइज है, अंडरस्टैंड है, नो है, ये एक्शन वर्ब्स। इस तरह से अलग अलग एक्शन वर्ब जो है जो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, ऐसे एक्शन वर्ब्स हमको राइटिंग स्टेटमेंट जो है वो करते समय हमें लिखने चाहिए। उसके बाद स्टेट डिजायर्ड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। डिजायर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या रहता है? जो हमने कॉम्पिटेंसीज देखा कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसी कॉम्पिटेंसीज को हम बोलेंगे डिजायर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। अभी डिजायर क्यों? क्योंकि वो टीचर पहले रखते हैं, इसलिए डिजायर, एंड परफॉर्मेंस जो है वो स्टूडेंट को एक्सपेक्ट करते हैं हम कि ये परफॉर्म वो करेगा, इसलिए स्टेट डिजायर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। ये स्टेटमेंट राइट लिखते समय लर्निंग आउटकम्स हमेशा शॉर्ट होने चाहिए। अगर हमने उसमें दो तीन डिफाइन एंड अप्लाई ऐसा अगर वर्ब्स कंबाइन किए तो वो प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स नहीं होगा, इसलिए वो एक ही वर्ब यूज़ करना है, उसी की वजह से वो शॉर्ट हो जाएगा। नॉर्मली फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट दोनों में भी लिख सकते हो, स्टूडेंट विल रीड, स्टूडेंट विल एबल टू रीड, ऐसा हमें करना पड़ेगा, या फिर स्टूडेंट रीड्स, ऐसा हमें करना पड़ेगा। सो नॉर्मली रिटन इन फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड देन दीज आर अचीवेबल एंड असेसेबल। जो हमने पहले ही देखा, अगर आउटकम्स हमने अचीवेबल या असेसेबल नहीं लिखे है तो वो लर्निंग आउटकम्स नहीं हो जाएंगे। आउटकम्स ये वर्ड ही आपको बोलेगा कि ये अचीवेबल होने चाहिए, उसी को हम बोलेंगे आउटकम्स। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि लर्निंग आउटकम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लर्निंग आउटकम्स नहीं है तो लर्निंग ही नहीं होगा, और अगर लर्निंग नहीं होगा तो टीचर क्या पढ़ा रहा है। इसी की वजह से टीचर्स को सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा कि ये मेरे ऑब्जेक्टिव है और इस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मुझे ये लर्निंग आउटकम्स मिलने वाले हैं, तभी जाके क्लासरूम में लर्निंग होगा। और इसी की वजह से लर्निंग आउटकम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एवरी टीचर हु थिंक्स दैट ही शुड bring out changes among the behaviors, he must be clear with learning outcomes। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है टाइम की बहुत शॉर्ट है, और उसी शॉर्ट टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक जो है कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल होगा। थैंक यू।